नमस्कार, मैं रवि कुमार मीणा और आप देख रहे हैं सर्वोदय टीवी इंडिया। आइए रुक करते हैं आज की ताजा और बड़ी खबरों की ओर। पलवल से पूर्व विधायक एवं वरिष्ठ कांग्रेसी नेता करण सिंह दलाल ने कहा कि किसी भी अधिकारी को पैसे देकर खरीदा जा सकता है। फरीदाबाद और पलवल जिले में भ्रष्टाचारियों का बोलबाला है। उन्होंने कहा कि लोग बीजेपी की सरकार बनाकर पछता रहे हैं, उनके साथ आए दिन लूटपाट हो रही है। करण दलाल आज बल्लमगढ़ में कांग्रेसी कार्यकर्ताओं के घर पहुंचे थे, जहां पर पत्रकार वार्ता का आयोजन किया गया था। सरकार में पैसा देकर के किसी भी अधिकारी के ईमान को खरीदा जा सकता है। तमाम के तमाम हमारे दोनों जिलों में जो भ्रष्टाचार है वो पूरी तरह से व्याप्त है। चारों तरफ भ्रष्टाचार फैल रहा है, अफसरशाही हावी हो रही है। जनप्रतिनिधि वो लोगों को सामने आने की बजाय अपना मुंह छुपाते फिर रहे हैं और उसका नतीजा इस दोनों जिलों के लोगों को भुगतना पड़ रहा है। तो भ्रष्टाचार की सीमाओं को भारतीय जनता पार्टी के राज में बिल्कुल व्यवस्था लांघ चुकी है और बहुत बुरे हाल में हमारे लोग सरकार बना करके बुरी तरह से पछता रहे हैं। उनके साथ बहुत बड़ा छलावा हुआ है, लेकिन अब वक्त आ गया है कि लोगों को खड़ा होना पड़ेगा। इस भ्रष्ट सरकार को हमेशा के लिए उखाड़ फेंकने का अब ये समय हमारा शुरू हो चुका है। सरकार में पैसा देकर के किसी भी अधिकारी के ईमान को खरीदा जा सकता है। तमाम के तमाम हमारे दोनों जिलों में जो भ्रष्टाचार है वो पूरी तरह से व्याप्त है। चारों तरफ भ्रष्टाचार फैल रहा है, अफसरशाही हावी हो रही है। जनप्रतिनिधि वो लोगों को सामने आने की बजाय अपना मुंह छुपाते फिर रहे हैं और उसका नतीजा इस दोनों जिलों के लोगों को भुगतना पड़ रहा है। तो भ्रष्टाचार की सीमाओं को भारतीय जनता पार्टी के राज में बिल्कुल व्यवस्था लांघ चुकी है और बहुत बुरे हाल में हमारे लोग सरकार बना करके बुरी तरह से पछता रहे हैं। उनके साथ बहुत बड़ा छलावा हुआ है, लेकिन अब वक्त आ गया है कि लोगों को खड़ा होना पड़ेगा। इस भ्रष्ट सरकार को हमेशा के लिए उखाड़ फेंकने का अब ये समय हमारा शुरू हो चुका है। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।